देखिए दोस्तों, बैठो। आप में से कितने लोग आज यहाँ मोटिवेट होने के लिए आए हैं? अगर आप मोटिवेट होने आए हैं तो शायद आप गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि मैं मोटिवेशन के ऊपर बिलीव नहीं करता। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर एक मूर्ख आदमी है और अगर हमने उसे मोटिवेट कर दिया तो वो ज्ञानी नहीं बनेगा, वो मोटिवेटेड मूर्ख बन गया। जब तक वो बेचारा मोटिवेटेड नहीं था, शांति से बैठा था, ना अपना नुकसान कर रहा था ना किसी और का नुकसान कर रहा था। लेकिन अभी मोटिवेटेड मूर्ख शांति से नहीं बैठ सकता, कुछ करने की कोशिश करेगा, कर पाएगा नहीं क्योंकि जानता नहीं है, अपना भी नुकसान करेगा दूसरों का भी। जी मैं बिलीव करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन पे, यानी बदलाव पे या ब्रेक थ्रू पे। इस दुनिया में इतिहास में सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई महाभारत के अंदर, जब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को। अब सोचो, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ताली बजाता, बोले भगवान आहा हा हा क्या स्पीच दी, वाह 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 मजा आ गया बहुत बढ़िया, लेकिन करता नहीं या चेंज नहीं होता, जो उसे बताया गया वो नहीं करता, तो क्या उसका कोई फायदा होता? करेक्ट, उसका कोई फायदा नहीं होता। सेम वे किसी भी ट्रेनिंग को आयोजित करने का पर्पस ये नहीं है कि आप उसको देखकर खुश हो जाए, बल्कि उसका उद्देश्य है कि वो आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू लेकर के आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, आपकी सोच में एक बदलाव लेकर के आए। और बदलाव कब आता है? जब आप रियली सीरियस होते हैं खुद को बेहतर करने के लिए, खुद को बदलने के लिए। तो आप में से कितने लोग अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। इसीलिए आज मेरा ऐसा विश्वास है कि जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो आपको बनाएगा और भी ज्यादा बेहतर, एंड हमेशा से आपको आगे लेकर के जाएगा। आपको आपने मेरे वीडियो में सुना होगा, मैंने आपको कहा कि आप जब आए डायरी और पेन लेकर के आए। कितने लोग डायरी और पेन लेकर के आए हैं? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आज का जो हमारा ट्रेनिंग है इसका नाम है द मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मी का मतलब क्या है? मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, यानी आप और भी ज्यादा बेहतर, आप और भी ज्यादा शानदार, और भी ज्यादा तरक्की कैसे करें और बेहतर कैसे बने, ये है। नॉट होपिंग बट बिलीविंग कि आज के बाद आप और भी ज्यादा आगे बढ़े। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको लेके चलता हूं मैग्निफिसेंट मी के ऊपर में। आपको क्या चीज शानदार बनाएगी? इससे पहले एक सीक्रेट, एक बहुत गुणी व्यक्ति की बात यहां पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा एक सीक्रेट है सफलता का जो मैंने सीखा मुश्किल से, बहुत बेसिक है। राइट एवरीथिंग डाउन, हर चीज को लिख लीजिए। लीव नथिंग टू मेमोरी, याददाश्त पर कुछ भी मत छोड़िए। मेमोरी गेट्स यू इन ट्रबल, यानी याददाश्त आपको मुश्किल में डालेगी। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे अभी तो आपको ऐसा लगेगा आप सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद या दो हफ्ते बाद आप आधी से ज्यादा भूल चुके होंगे। और एक महीने के बाद यदि आपसे कोई पूछेगा कि उस दिन आपने त्यागराज स्टेडियम गए क्या सीखा, आप कहेंगे अच्छा तो बहुत था, क्या सीखा वो तो पता नहीं। तो अगर आप नोट बनाना शुरू कर दें तो आप कभी भी चूकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। मेमोरी अल्टीमेटली बिट्रेज यू, मेमोरी याददाश्त आपको धोखा देगी, लेकिन जो चीज आप लिख लेंगे वो आजीवन आपके साथ रहेगी। ये कहना था रिक पिटिनो का, जो कि बास्केटबॉल के जगत में एक लीजेंडरी कोच, एक लीजेंड कोच इनको माना जाता है। तो आइए इनकी बात को सम्मान करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भी कुछ स्लाइड पर देखेंगे या जो भी कुछ आपको उसके अलावा अच्छा लगेगा कोई एग्जाम्पल, उसको आप नोट करें और आगे बढ़े। आगे चलते हुए द मैग्निफिसेंट मी, आप मैग्निफिसेंट कैसे बनेंगे? सबसे पहली चीज जो सफलता के लिए मेरा मानना है बहुत जरूरी है वो है पैशन। पैशन यानी कि जुनून, कुछ बनने का जुनून, कुछ करने का जुनून। ये किसी भी फील्ड में पहली रिक्वायरमेंट है सफलता की, पैशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आइए मैं आपको मिलवाता हूं कुछ लोगों से जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत शिखर तक पहुंचे, और इनकी पर्सनैलिटी में अगर कोई एक वर्ड है जो इनको डिस्क्राइब कर सकता है वो है पैशन। रसल क्रो, जिनको ग्लैडिएटर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया, ये इतने ज्यादा पैशनेट थे इस रोल के लिए, ग्लैडिएटर के रोल के लिए जिनके लिए इनको ऑस्कर मिला, कि शूटिंग शुरू होने से पहले 2 साल तक ये इसी वेशभूषा में रहे। हर समय खाते भी इसमें थे, पीते भी इसमें थे, और जो इस कैरेक्टर में इस कदर घुस गए, इतने पैशनेट होकर के इन्होंने इस रोल को निभाया कि इसके लिए इनको जाकर के मिला एक ऑस्कर अवार्ड।
इतना ही नहीं, आइए देखते हैं हम अपने कुछ भारत के कुछ एग्जाम्पल। जो लोग साइडों में खड़े हैं आपसे मैं गुजारिश करूंगा, पीछे भी जो हॉल है वहां पर सेम प्रेजेंटेशन आपको देखेगी, स्क्रीन है, आप चाहें तो वहां सीट ले सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ अन्य लोगों से मिलवाता हूं। विराट कोहली ऐसी शख्सियत जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एक वर्ड जो इनको डिस्क्राइब कर सकता है वो है पैशन। इतना जुनून है इनके अंदर अपनी सफलता को लेकर के, इतना जुनून है इनको अपने अंदर अपने खेल को लेकर के, और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण है इनकी कामयाबी का। आइए आपको इसके साथ साथ मैं कुछ और लोगों से भी आपको मिलवाता हूं। ये काम नहीं कर रहा, यदि आप इसका कुछ करें तो बेहतर होगा। रणवीर सिंह, इनको पद्मावत में इनके काम के लिए बहुत सराहा गया, या बहुत सारी पिक्चर में इनको इनके काम के लिए बहुत ज्यादा सराहा गया है। और जब इन्होंने तैयारी करी पद्मावत के रोल के लिए, इनको 3 से 4 महीने लगे उस कैरेक्टर में शूटिंग खत्म होने के बाद भी बाहर आने के लिए। यानी इतने ज्यादा जुनून से ये अपना काम करते हैं और इसीलिए सफलता की इस शिखर पर ये पहुंचे हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने रखूंगा वो है श्री अमिताभ बच्चन जी। आज 77-78 की साल में आने वाले 6 साल तक इनके पास डेट्स नहीं है, यानी ये इतने ज्यादा बिजी हैं। इतने सफलता के बाद हर रोज सुबह 5:30 बजे बिस्तर छोड़ना, एक्सरसाइज करना, शूटिंग करना, क्यों कोई जरूरत नहीं, लेकिन पैशन यानी कि जुनून, अपने काम से इनको इतना ज्यादा प्यार है, इतना ज्यादा लगाव है, और इस वजह से आज ये सफलता की शिखर पर पहुंचे हैं। इनके साथ साथ एक और शख्स से मैं आपको मिलवाऊंगा। ये शख्स है मिस्टर वर्ल्ड, रह चुके हॉलीवुड के सुपरस्टार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ये एक रिफ्यूजी थे, एक शरणार्थी थे, शरणार्थी के तौर पर अमेरिका गए। इनको एक जुनून था कि मुझे मेरी बॉडी बनानी है, मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। उस समय ये बहुत पतले हुआ करते थे और इन्होंने जुनून की हद तक एक्सरसाइज करी और इतने सफल बने, मिस्टर वर्ल्ड रहे, हरकुलियस का इनको टाइटल मिला, आगे चलकर हॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार बने। किस वजह से? इनके अंदर था एक पैशन, एक जुनून कुछ बनने का। आइए इनका एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जो इनके बारे में आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा बता पाएगा। मैं आपको मिलवाता हूं। इन्होंने कहा, आई एम नॉट एम्बिशियस, मैं एम्बिशियस नहीं हूं, आई जस्ट लव व्हाट आई एम डूइंग, मुझे बहुत प्यार है जो मेरा काम है। एंड इफ यू लव व्हाट यू डू, अगर आपको वाकई में प्यार है जो आप करते हैं, यू डू अ लॉट ऑफ स्टफ, यानी आप अपने आप बहुत सारा कार्य करेंगे, एंड देन उसके बाद लोग कहेंगे कि अरे आप तो बहुत सफल हो गए। ये कोट है आज के वर्तमान के प्रेसिडेंट श्री डोनाल्ड ट्रंप का। ये अपनी सफलता का श्रेय देते हैं, मैं बहुत एम्बिशियस नहीं हूं लेकिन जो मैं करता हूं उससे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। इन्वेस्टमेंट से प्रेसिडेंट बनने से पहले ये अमेरिका के बहुत रिचेस्ट सुपर रिच व्यक्ति थे, इन्वेस्टमेंट कर करके ये प्रॉपर्टी के बहुत बड़े टाइकून रहे हैं और हैं भी आज भी। आइए आपको मिलवाता हूं एक और शख्सियत से। ये जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसमें मैंने वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों को स्टडी किया कि ये लोग इतने बड़े बने क्यों, इनके अंदर ऐसी क्या खासियत है, और इनकी खासियत समेट करके आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि ये खासियत अगर आप अपने अंदर डाल लें तो आप भी इतने ही कामयाब बन सकते हैं। द ओनली वे टू बी सेटिस्फाइड, एकमात्र तरीका है संतुष्ट होने का, इस वॉट यू बिलीव इज ग्रेट वर्क, ऐसा काम करना जो आपको विश्वास है कि वो बहुत ही ग्रेट वर्क है या बहुत ही बेहतरीन है। एंड द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू, और एकमात्र तरीका है महान काम करने का कि आप वो काम करें जिसको आप प्यार करते हैं। ये कहा स्टीव जॉब्स ने, जिन्होंने एप्पल का निर्माण किया, एप्पल के फाउंडर रहे। इनको बहुत ज्यादा प्यार था कंप्यूटर से, गेम्स से, और इस वजह से इन्होंने एप्पल की शुरुआत करी और इतनी सफलता के उसमें आईफोन आज भी एक प्राउड का मैटर है जो लोग लेकर के घूमते हैं। सो ये कहना था स्टीव जॉब्स का। आइए आपको मिलवाता हूं एक और शख्सियत से। इन्होंने कहा, आई लव इट, मुझे बहुत प्यार है, I love getting up in the morning and going to practice. मुझे बहुत प्यार है सुबह उठने से और प्रैक्टिस पे जाने से। इस शख्सियत का मैंने कोट पढ़ा, ये शख्सियत कौन है? ये शख्सियत है साइना नेहवाल, इंडिया की आज तक एकमात्र बैडमिंटन प्लेयर जो वर्ल्ड की नंबर वन रैंकिंग तक पहुंची। एक बार मैंने अखबार में इनका आर्टिकल पढ़ा,
वो आर्टिकल की हेडलाइन थी कि मुझे सुबह की मॉर्निंग अलार्म सबसे ज्यादा प्यारा धुन लगती है, या मॉर्निंग अलार्म इज द बेस्ट म्यूजिक टू माय ईयर्स। ज्यादातर लोग जब अलार्म बजता है क्या करते हैं, क्या करते हैं जी, उसको बंद कर देते हैं, दोबारा सो जाते हैं। वो फिर बजता है, फिर दोबारा सो जाते हैं, और जब तक संभव हो सके तब तक नहीं उठते। 90% लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन संगीत है सुबह का अलार्म, क्योंकि सुबह का अलार्म बजने का मतलब है 4:30 बज गए। 4:30 बजने का मतलब है उठने का समय हो गया, उठने का मतलब है प्रैक्टिस का समय हो गया, और प्रैक्टिस करने का मतलब है कि मेरे वर्ल्ड नंबर वन बनने का सपना सच होने जा रहा है, और इस वजह से ये वर्ल्ड नंबर वन बन पाई। अगर आप किसी भी ग्रेट लोगों को देखें, ग्रेट पीपल इन ऑल फील्ड्स लव व्हाट दे डू, जितने भी लोग अपने अपने फील्ड में ग्रेट बने हैं, सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं, इन्हें बहुत प्यार रहा है अपने काम से। अगर आप भी नेटवर्किंग से, वेस्टीज से, मल्टी लेवल मार्केटिंग से बहुत प्यार करेंगे तो आप अपने आप ही सफलता की शिखर पर पहुंचने लग जाएंगे। सो ग्रेट पीपल इन ऑल फील्ड ऑलवेज लव व्हाट दे डू। आइए आपको मिलवाता हूं एक और शख्सियत से। इन्होंने कहा, आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ, मुझे जो बहुत पसंद था करना वो बहुत जल्दी मुझे जीवन में मिल गया। इनके पार्टनर का नाम था वोस, तो इन्होंने कहा, वोस एंड आई स्टार्टेड एप्पल इन माय पेरेंट्स गैराज व्हेन आई वाज 20। यानी वोस ने, जो मेरे पार्टनर थे, मैंने और उन्होंने एप्पल की शुरुआत करी मेरे पेरेंट्स के गैराज में, जहां पूरा गाड़ी खड़ी होती थी, जब मेरी आयु सिर्फ 20 वर्ष की थी। और मात्र इतने कम समय में इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जी हां, फिर से मैं बात कर रहा हूं एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की। इसके साथ एक और शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा। इन्होंने क्या कहा, देखिए, इन्होंने कहा, आई एब्सोल्युटली लव इट, मुझे बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है गोल्फ बॉल को मारने में। आई लव हिटिंग इट, आई एब्सोल्युटली लव इट, आई लव हिटिंग द गोल्फ बॉल। और ये कौन है? ये है टाइगर वुड्स, गोल्फ की दुनिया के बेताज बादशाह, गोल्फ की दुनिया के सुपरस्टार। आज तक इनसे बड़ा गोल्फ के खेल का कोई खिलाड़ी नहीं हुआ है। ये इतने बड़े खिलाड़ी क्यों बने? क्योंकि इनको गोल्फ खेलने में इतना मजा आता था, इतना प्यार करते थे ये उस खेल से, उसी को ये इन्होंने प्रोफेशन बना लिया और इतने ज्यादा कामयाब हो गए। एक और शख्सियत से मिलते हैं। इस शख्सियत ने कहा, ये इन्हें ग्रेटेस्ट शोमैन या ग्रेट शोमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहा गया। इन्होंने कहा कि मैं आई स्लीप विद मूवीज, मैं पिक्चरों के साथ सोता हूँ, पिक्चरों के साथ उठता हूँ, सिनेमा के साथ उठता हूँ, सिनेमा खाता हूँ, सिनेमा पीता हूँ, और हर समय मैं सिनेमा में रहता हूँ, मेरी जिंदगी सिनेमा है। क्या कोई गेस करना चाहेगा ये कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये थे श्री राज कपूर जी, द ग्रेटेस्ट शोमैन का ऑफ इंडियन सिनेमा का, जिनको नाम दिया गया या अवतार कहा गया। ये क्यों सफल बने? क्योंकि हर समय ये उसी धुन में रहते थे। अब सोचिए, अगर हर समय आप भी नेटवर्किंग की धुन में रहें, सोते जागते उठते, मेरा नेटवर्क कितना है, मेरा नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, मैं और आगे जाऊंगा, मैं और तरक्की करूंगा, मेरी टीम में इतने लोग कार अचीवर बने, मेरी टीम में इतने लोग फॉरेन टूर पे जाए, इतने लोग कामयाब बने, मैं भी कामयाब बनूं, अगर हर समय आप ये सोचेंगे, आपकी तरक्की होगी कि नहीं होगी? निश्चित होगी। सो यही था इनकी तरक्की का राज। आई लव राइटिंग दीज बुक्स, एक राइटर ने कहा कि मुझे किताबों को लिखने में बहुत मजा आता है, और उन्होंने कहा, आई डोंट थिंक एनीवन कुड एंजॉय रीडिंग देम मोर, मुझे नहीं लगता कि जो मेरे जो पढ़ते हैं किताबों को, रीडर हैं, जितना उनको पढ़ने में मजा आता है उससे ज्यादा मुझे लिखने में मजा आता है, और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार काम है लिखना कुछ। और ये कौन थी? ये थी जेके रॉलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर को जन्म दिया, हैरी पॉटर की जो ऑथर है। हैरी पॉटर को जानते हैं आप लोग? उसके ऊपर पिक्चर भी बनी है। जी हाँ, सो ये है जेके रोलिंग की स्टेटमेंट है, जो कि लेखक है हैरी पॉटर की किताबों की। थोड़ा सा और आगे चलते हुए, अंडर अचीवर्स ट्यून इनटू सुपर अचीवर्स वंस दे फाइंड देयर पैशन। अंडर अचीवर हम किसको बोलते हैं? जो अपनी क्षमता से भी कम कुछ अचीव कर पाते हैं, ज्यादा अचीव नहीं करते या ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं करते, ज्यादा सफल नहीं होते, उसे कहते हैं अंडर अचीवर। अंडर अचीवर
सुपर अचीवर बन जाते हैं एक बार उन्हें क्या मिल जाए, अपना पैशन मिल जाए, अपना जुनून मिल जाए, जिस काम को करने में मजा आता है एक बार वो काम मिल जाए तो बड़े से बड़े अंडर अचीवर सुपर अचीवर बने हैं। एक से मैं आपको बताता हूं उनके बारे में, देखिए लिखा है ही वाज अंडर परफॉर्मिंग इन स्कूल, यानी स्कूल में वो अंडर परफॉर्मर थे, यानी कि फेल हुए, बैक बेंचर थे, बहुत मुश्किल से पास होते थे। एट वॉर विद हिज मदर, इस वजह से उनकी अपनी माँ से बनती नहीं थी, क्योंकि उनकी माँ को लगता था उनकी परफॉर्मेंस देखकर कि ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ये लड़का कभी कामयाब नहीं होगा, ये कभी तरक्की नहीं कर सकता, तो हमेशा उनकी माँ उनको डांटती रहती थी, तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू नालायक है। और वो जीवन में अपने जो बाल्यकाल थे, अपनी पढ़ाई के टाइम में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा गया, मनोचिकित्सक के पास भेजा गया इलाज करने के लिए, इलाज कराने के लिए कि देखो भैया इस बच्चे में क्या तकलीफ है, ये ना ये सही से पढ़ लिख पाता है, ना ये स्पोर्ट्स में कुछ जानता है, ये बिल्कुल ही अंडर अचीवर है, बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ने कहा उससे बात करके, दिस किड इज अ लूजर, ये जो बच्चा है ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता, ये कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता, ये बच्चा कौन बना आगे चल के मिलवाता है, कौन, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स। ये स्कूल में इनका मन क्यों नहीं लगता था, क्योंकि ये पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था, लेकिन जिस दिन इनको कंप्यूटर मिल गया वो इनका पैशन था, और जब इनको इनका पैशन मिल गया उसमें ये इतना डूब गए कि इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण कर डाला और बन गए दुनिया के सबसे अमीर आदमी। अगर आपको भी आपका पैशन दिखने लगे नेटवर्किंग के अंदर, अगर आपको आपका पैशन दिखने लगे वेस्टीज के अंदर, तो क्या आपको कोई सफलता से रोक पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, यही मेरा कहना है। चलिए मिलते हैं एक और शख्सियत से। ही डिडंट स्पीक टिल ही वॉज थ्री, ये 3 साल के थे तब तक ये बोले नहीं। शुरू में तो इनको लगा इनके माता पिता को कि ये गूंगा बच्चा पैदा हो गया, हमारे यहां बोल नहीं पाएगा। स्टम्बल्ड हिज वे थ्रू स्कूल, स्कूल में भी बहुत अटक अटक करके बोलते थे, बड़ी मुश्किल से पास होते थे, और सालों तक ये लो लेवल क्लर्क के तौर पर इन्होंने काम किया एक पेटेंट ऑफिस में। लेकिन उसके बाद इनको मिला अपना पैशन, इनका पैशन था साइंस, साइंस से ये ऐसे जुड़े बन गए आज तक की इतिहास के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन एक समय पर जब इनके इनको 25-30 साल तक बिल्कुल सुपर फ्लॉप कहा जाता था कि ये कभी कुछ नहीं कर सकता। आइए जानते हैं एक और शख्सियत के बारे में। आई प्ले द गेम बिकॉज आई लव इट, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन का ये कोट है, कौन है मैं आपको मिलवाऊंगा अभी इनसे। इन्होंने कहा मैं ये खेल इसलिए खेलता हूं क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। आई जस्ट हैपन टू गेट पेड, मैं खेल इसलिए खेलता हूं कि मुझे इस खेल को खेलने में बहुत रुचि है। हाँ, ये बात अलग है कि मेरी रुचि मेरा कैरियर बन गई और मुझे इसके पैसे मिलने लगे। ये कहा द ग्रेट माइकल जॉर्डन ने, बास्केटबॉल इतिहास के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ने। इनका एक वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इनको बास्केट टू द टॉप, जितने भी लोग शिखर पर हैं, वो इक्की हो, ग्रेट शेफ हो या स्पोर्ट्समैन हो या कॉर्पोरेट अचीवर हो, बिजनेसमैन हो, ये सब वो लोग हैं और द वंस वुड बी डूइंग वॉट एवर इट इज, ये उसी काम को करते हैं जो जिसको ये प्यार करते हैं, चाहे इनको ये पैसे भी नहीं देखते, ये पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि ये उस काम को इसलिए करते हैं क्योंकि ये उसको बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। अगर आप सोचो आपको मीटिंग करने में बहुत मजा आने लगे, प्लान दिखाने में मजा आने लगे, ट्रेनिंग लेने में मजा आने लगे, ट्रेनिंग देने में मजा आने लगे, सेमिनार करने में, सेमिनार अटेंड करने में मजा आने लगे, तो क्या कोई आपकी सफलता रोक सकता है? अगर यही आपका पैशन बन जाए तो आप क्या नहीं बन सकते। सो इसलिए मेरा मानना है पैशन जो है, जुनून जो है, ये पहला रिक्वायरमेंट है सफलता की। इफ यू डू व्हाट यू लव, अगर आप वो काम करें जिसे आप प्यार करें, यू ऑटोमेटिकली वर्क हार्ड, तो आप अपने आप उसमें मेहनत करेंगे। अगर आपको प्लान दिखाना अच्छा लगता हो तो आप डेली प्लान दिखाएंगे या घर में सोएंगे? प्लान दिखाएंगे। आप एक प्लान से भी संतुष्ट नहीं होंगे, आप बहुत सारे प्लान दिखाना चाहेंगे, बहुत सारी मीटिंग करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्लान दिखाने में मजा आता है। तो यही चीज कही गई है, इफ यू डू व्हाट यू लव, अगर आप वो काम करें जिसको आप प्यार करते हैं, लव करते हैं, जो आपका जुनून है, पैशन है, आप ऑटोमेटिकली उसमें मेहनत करेंगे,
अपने आप फोकस करेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, परसिस्ट यानी कि मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहेंगे और हर वो काम करेंगे जो आपको सफलता और वेल्थ के ऊपर, दौलत के ऊपर लेकर के जाएगा। ये अपने आप स्वतः ही होने लगेगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, डू यू लव सक्सेस? क्या आप सक्सेस से प्यार करते हैं? गुड। अगला सवाल है, डू यू लव फ्रीडम फॉर लाइफ टाइम? क्या आप पूरे जीवन के लिए फ्री होना चाहते हैं, पैसे से फ्री, कभी सोचना ना पड़े कोई भी चीज खरीदने से पहले इसकी कीमत कितनी है, आप इतने फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? गुड। सिक्योरिटी, क्या आप ऐसा, देखिए आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ज्यादातर इनको ये इन्होंने इतना काम कर दिया कि इनकी अगली जनरेशन को काम करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपनी फैमिली को सिक्योर कर दिया। सिक्योर के नाम पर मुझे ध्यान आते हैं मेरे दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं है, सुदर्शन मोहंती जी जो मेरी डायरेक्ट डाउनलाइन थे, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया 2008 में, वेस्टीज में मैंने उनको स्पॉन्सर किया, उनके साथ पूरा उड़ीसा ट्रैवल किया, नेटवर्क बनाया। दुर्भाग्यवश दो साल पहले उनकी डेथ हो गई। जब वो गुजरे, उनके जो आईडी थी जो उनके नाम से थी उसका चेक था 9 लाख रुपए। आज उनको गुजरे हुए 2 साल हो गए, आज उनकी वही आईडी उनकी वाइफ के नाम पर है और उसका हाईएस्ट चेक पहुंच चुका है 12 लाख रुपए से भी ज्यादा, तकरीबन 13 लाख रुपए। लगभग 46 साल की आयु में वो इस दुनिया से चले गए। इंसान की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उनके जो बच्चों का लाइफस्टाइल था, घर का रहन सहन था, उसमें कोई कमी नहीं आई, वो बरकरार है, बल्कि उसमें तरक्की हो रही है। ये है सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी आपको ये बिजनेस देता है। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करना चाहेंगे? सो डू लव इट। गुड। ट्रैवलिंग, बहुत लोगों को घूमने का बहुत शौक होता है, यहां जाऊं, ये नई जगह देखूं, वो नई जगह देखूं। जब आप इस बिजनेस में काम करेंगे, वेस्टीज में काम करेंगे, तो आप काम के सिलसिले में भी आपको बहुत जगह जाने का मौका मिलेगा। जैसे जब मैंने 2008 में वेस्टीज शुरू करी, मैंने उड़ीसा बिल्ड किया, उड़ीसा बहुत ट्रैवल किया, उसके बाद में मैंने केरला में काम करना शुरू किया, पूरा केरला मैंने देखा है, पूरा तमिलनाडु, पूरा कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसी कोई स्टेट नहीं इस देश का जहां मैंने ट्रैवल नहीं किया अपने काम के सिलसिले में। काम तो हुआ ही हुआ, लेकिन इतनी जगह मुझे जाने का मौका मिला। इसके साथ साथ जब आप अच्छा काम करते हैं इस बिजनेस में, आपको मिलते हैं फॉरेन टूर साल में 2 बार कम से कम, और जब आप और सफल हो जाते हैं तो आपको कंपनी के टूर के अलावा आप जब चाहें, आप अपनी मर्जी से जहां चाहें पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। तो क्या आपको घूमना पसंद है, नई जगह देखना पसंद है? तो आप बिल्कुल सही बिजनेस में है। रिकॉग्निशन, सम्मान, इतने सारे लोग आपके नाम को जाने, आपको पहचाने, आपका खुद का एक नाम हो, क्या आप ऐसा चाहते हैं? लव इट। गुड। इसके अलावा हेल्थ, क्या आप चाहते हैं एक स्वस्थ जीवन जीना, हेल्दी रहना, हमेशा आप हेल्दी रहें, कभी बीमार ना पड़े, आप हेल्दी रहेंगे तभी उस पैसे को एंजॉय भी कर पाएंगे, उस सफलता को एंजॉय भी कर पाएंगे। जैसे कहावत है, पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में वो माया, राइट? यानी पहला सुख जो है हेल्थ। वेस्टीज के सप्लीमेंट्स आपको क्या करते हैं? हेल्दी बनाते हैं। जब सुबह सुबह आप एनर्वा का ब्रेकफास्ट करते हैं, आप क्या बनते हैं? हेल्दी बनते हैं। सप्लीमेंट्स खाते हैं, हेल्दी बनते हैं। एयर प्यूरिफायर क्या करता है? आपको हेल्दी बनाता। सो डू यू लव हेल्थ? यस। गुड। ब्यूटी, हमारे प्रोडक्ट आपको और भी ज्यादा आपकी सुंदरता में निखार लाते हैं, चाहे वो हमारा मिस्टर ऑफ मिलान के प्रोडक्ट है, राइट, या अदर हमारे इतने सारे प्रोडक्ट है जो आपको ब्यूटीफाई करते हैं, आपको बेहतर बनाते हैं। कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान, मैं अक्सर देखता हूं जब 15 अगस्त या 26 जनवरी के आसपास बहुत सारे लोग अपने डीपी प्रोफाइल में तिरंगे की फोटो लगा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है जी, अपने देश के राष्ट्र ध्वज को आप डीपी प्रोफाइल बनाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उससे आप अपने देश के लिए कोई कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। अगर आप आगे चलकर सफल होते हैं, कामयाब होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देंगे बहुत सारा टैक्स। मेरे सामने संतोष यादव जी बैठे हैं जिनकी महीने की इनकम तकरीबन 11 लाख रुपए है। सर कितना टैक्स आप देते हैं? तकरीबन लास्ट ईयर आपने 30 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स दिया, इस साल तो आप 50 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स दे रहे हैं जी। अब देखिए, ये खुद तो सफल हुए ही हुए, अब ये इतना टैक्स दे रहे हैं, मेरे सामने इतनी सारी लीडरशिप बैठी है, नाम मैंने इनका लिया, लेकिन जितनी भी पहली रूम में मुझे लीडरशिप दिख रही है या यहाँ जो लोग मुझे खड़े हुए दिख रहे हैं, शिवम मुझे खड़ा हुआ दिख रहा है, इसकी इनकम लगभग 5 लाख रुपए से ऊपर मंथली इनकम है। अब आप देखिए इनका योगदान, जो ये
30 लाख 40 लाख 50 लाख जो भी ये टैक्स दे रहे हैं, देश कहां से चलता है, सड़कें कहां से बनती है, आर्मी को तनख्वाह कौन देता है, टैक्स पेयर्स। सो आप इतना बड़ा योगदान देते हैं सोसाइटी के लिए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे जब आप सफल होंगे, बनना चाहेंगे नहीं बनना चाहेंगे, तो आप देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मानवता के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए। सो जब आप सफल होते हैं, अगर आप सफल वेस्टिजियन बनेंगे, केवल आप ही सफल नहीं होंगे, केवल आप ही की जिंदगी बेहतर नहीं होगी, आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे समाज के लिए, देश के लिए, जो नॉर्मली आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? गुड। अब मेरा आपसे एक सवाल है, What will make you magnificent? आपको क्या चीज शानदार बनाएगी, बेहतर बनाएगी? कितने लोग magnificent बनना चाहते हैं? So what will make you magnificent? Answer है passion. क्या क्या चीज आपको magnificent बनाएगी? Passion. क्या चीज आपको magnificent बनाएगी? Passion. क्या चीज magnificent बनाएगी? Passion. क्या चीज magnificent बनाएगी? Passion. क्या चीज magnificent बनाएगी? Passion. तो अगर आप passion के साथ अपना काम करना शुरू कर दें आज के बाद, क्या आपकी तरक्की होगी या नहीं होगी? सिंपल, इसीलिए मैंने आपको कहा व्हाट विल मेक यू मैग्निफिसेंट, द आंसर इज सिंपल, द फर्स्ट थिंग इज पैशन। अगर आपके काम में पैशन आ जाए, जुनून आ जाए, मजा आने लगे आपको, अगर आप इंतजार करें यार सुबह कब होगी, सुबह मैं उठूंगा और उठ करके 9 बजे मेरी पहली मीटिंग है, 11 बजे दूसरी मीटिंग है, अरे 2 बजे मेरी ट्रेनिंग है, मैं इतने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाऊंगा, मैं इतना आगे बढ़ूंगा, अगर आप ये सोचने लगे तो ऑटोमेटिकली क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन ये कुछ भी नहीं है, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए आप ऐसे ही कमाने लगेंगे एंड आप अपने आप आपकी तरक्की होने लगेगी। आपको उसके बारे में कभी सोचना भी नहीं पड़ेगा। दूसरा ट्रेट जो मैं आज आपके लिए लेके लाया हूं, जो आपको और ज्यादा मैग्निफिसेंट बनाएगा, वो है सिंपल वर्क, आपका काम। पुराने जमाने में ऐसा होता था, लोग अपनी उनके घर के आगे उनकी नेम प्लेट लगी होती थी और उस पर लिखा होता था BA LLB या BA MA MPhil, उनकी डिग्रियां लगी होती थी, क्योंकि उस समय ज्यादा लोग, अधिकतर लोग उस शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते थे। संस्कृत में कहा गया है कर्म वीरस्य भूषणम, यानी कि कर्म जो है वो वीरों का आभूषण है। किसी भी इंसान की पहचान किस चीज से होती है? अपने काम से, अपने कर्म से। तो दूसरी चीज जो आपको शानदार बनाएगी वो है आपका काम, आपका वर्क, आपकी मेहनत। सक्सेसफुल पीपल वर्क वेरी हार्ड। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखें, चाहे वो ग्रेट स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो ग्रेट म्यूजिशियन हो, या ग्रेट एक्टर हो, या ग्रेट कॉर्पोरेट अचीवर हो, ये सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। नथिंग एवर कम्स ईजी। अब यहां पर मैं आपको एक सफल व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं, उनका कोट मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन्होंने कहा कोई भी चीज आसान नहीं आती, मैं अपने जीवन के 8 साल, ये व्यक्ति जो है ये बहुत सफल व्यक्ति है, टेड टर्नर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। CNN का आपने नाम सुना है, न्यूज चैनल है, इंग्लिश न्यूज चैनल CNN, वर्ल्ड का नंबर वन न्यूज चैनल है CNN, उसके फाउंडर है टेड टर्नर। ये CNN को इन्होंने इन्वेंट किया, लेकिन इनको बहुत ज्यादा, इनका पैशन है CNN के साथ साथ सेलिंग करना। सेलिंग समझते हैं, नाव चलाना। सो सेलिंग करना, इन्होंने कहा माई फर्स्ट 8 ईयर्स ऑफ सेलिंग आई डिडंट इवन विन माई क्लब चैंपियनशिप। मैं अपने पहले 8 साल की सेलिंग में जब मैंने नाव चलानी शुरू करी, उसकी प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू किया, तो मैं क्लब चैंपियनशिप भी नहीं जीता, बट आई जस्ट केप्ट वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग। लेकिन मैं डेली प्रैक्टिस करता रहा, डेली सेलिंग करता रहा, सीखता रहा, मेहनत करता रहा, और यही मेरी सफलता का सीक्रेट बना। जब ये अमेरिका की सबसे बड़ी जो सेलिंग रेस होती है, अमेरिका कप जिसको कहा जाता है, उसके विजेता बने, तब इन्होंने ये कोट दिया, अमेरिका कप वर्ल्ड सेलिंग चैंपियनशिप विनर टेड टर्नर फाउंडर ऑफ CNN। इतना ही नहीं, वर्क इज ऑल्सो द की टू गूगल सक्सेस। गूगल का नाम सब जानते हैं, राइट? गूगल की सफलता का श्रेय लैरी पेज, जो उसके को फाउंडर है, उन्होंने कहा कि गूगल की सफलता का सबसे बड़ा राज है हमारा काम करना, हमारे वर्क एथिक्स। So, उन्होंने कहा वर्क इज ऑल्सो द की टू गूगल सक्सेस। अकॉर्डिंग टू को फाउंडर लैरी पेज, इन्होंने कहा वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन गूगल 8 or 9 years ago। जब गूगल लॉन्च हुआ, 8 साल 9 साल इन्होंने उसकी तैयारी करी, प्लानिंग करी, उसके ऊपर काम करते रहे, करते रहे, करते रहे, मेहनत करते रहे। When we were at Stanford, जहां से इन्होंने इसको लॉन्च किया था, since then we worked on it really hard, 24 hours a day.
इन्होंने कहा कि मैं और जो मेरे पार्टनर थे जिन्होंने गूगल का निर्माण किया, हम लगभग कभी घर छुट्टी नहीं ली, हम ऑलमोस्ट 24 घंटे काम करते रहे, प्लानिंग करते रहे, तब जाकर के हम गूगल को लॉन्च किया। और आज आप गूगल को हर व्यक्ति, छोटे बच्चे को भी अगर कोई भी चीज पूछनी होती है, 6 साल के बच्चे को भी, उसको भी पता है गूगल क्या चीज है। ये सर नो गूगल की सफलता का श्रेय क्या है, इतना ज्यादा हार्डवर्क जो 8-9 साल इन्होंने काम किया, लगभग 24 घंटे, उनकी स्टेटमेंट आपने सुनी। यू जस्ट कांट हैव इंस्पिरेशन, आप सिर्फ प्रेरणा से काम नहीं चलेगा, इट मे बी 10% इंस्पिरेशन एंड 90% परस्पिरेशन। एक सफलता के लिए इनका ये कोट था कि सिर्फ आप मोटिवेटेड है, सिर्फ आप इंस्पायर्ड है, उससे कुछ नहीं होगा। मे बी सफलता का मंत्र है 10% आप इंस्पायर्ड हैं, प्रेरित हैं, इंस्पिरेट इंस्पायर्ड हैं, लेकिन 90% परस्पिरेशन। परस्पिरेशन बोलते हैं पसीना बहाना, यानी कि मेहनत करना। सो अगर आप 10% इंस्पायर्ड हैं कुछ बनने के लिए और आप फील्ड में जाकर के बहुत सारी मेहनत करेंगे, नेटवर्क को बनाएंगे, नेटवर्क को डेवलप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप एक सफल नेटवर्कर अवश्य बनेंगे। इतना ही नहीं, यू हैव टू वर्क लाइक देयर इज नो टुमारो। आपको ऐसे काम करना है जैसे कल का दिन आएगा ही नहीं। सफल लोग हमेशा सोचते हैं जो काम कल करना है यार, जो 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 मीटिंग कल हो सकती, कल की जगह अगर आज हो जाए तो बहुत बढ़िया है। सो यू हैव टू वर्क लाइक देयर इज नो टुमारो, जैसे कल आएगा नहीं। इफ यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इट एनीथिंग, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, द की थिंग इज टू वर्क वेरी हार्ड। तो उसमें महत्वपूर्ण की क्या है, कुंजी क्या है, उसमें बहुत मेहनत करना, बहुत आगे बढ़ना। सक्सेसफुल पीपल, एंड जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं बहुत ज्यादा शर्माता था, मैंने कभी कभी दो लोगों के सामने भी बात करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब मुझे पता लगा कि इसमें बहुत जरूरी है आपको प्लान प्रेजेंट करना, मैंने जो बिजनेस प्लान था उसको मैंने रट लिया और शीशे के सामने खड़े होकर मैं प्रैक्टिस किया करता था, ताकि मैं बिना अटके अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन दे सकूं। सो अगर आप भी इतनी मेहनत करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर या प्लान दिखाने के ऊपर, या अगर आप सिर्फ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप सफल होने लगेंगे। सक्सेसफुल पीपल वर्कहॉलिक लोग बोलते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है वर्कहॉलिक, यानी ये हर समय अपने काम में डूबे रहते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि सक्सेसफुल लोग जो है वर्कहॉलिक नहीं होते, दे आर वर्कफ्रॉलिक्स। वर्कफ्रॉलिक एक वर्ड है, वर्कफ्रॉलिक का मतलब है जिनको, फ्रॉलिक वर्ड है जो फन से, फन का मतलब क्या है, मजा। इनको अपने काम में बहुत ज्यादा मजा आता है। सक्सेसफुल पीपल वर्क वेरी हार्ड बट दे हैव स्माइल ऑन देयर फेसेस। जितने भी सफल लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मजा आता है अपना काम करने में। अगर आप हमारे एमडी बाली साहब को देखें, या दीपक जी को देखें, कन्वर जी को देखें, ये लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, हर समय यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग, दौड़े रहते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन कभी इनके माथे पर आप शिगन नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपने काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। दे हैव फन, दे हैव टन्स ऑफ फन डूइंग देयर वर्क। That is the reason ये इतने सफल हैं, या वेस्टीज आज इस मुकाम पर है। Absolutely have fun working. बहुत जरूरी है आप अपने काम को enjoy करें, आप उसमें fun लें। If you're not having fun, अगर आपको मजा नहीं आता अपने काम करने में, तो आप गलत जगह पर हैं, या आप गलत profession में हैं। जिस दिन आपको मजा आने लगे plan दिखाने में, जिस दिन आपको मजा आने लगे ट्रेनिंग देने में, जिस दिन आपको मजा आने लगे अपनी डाउनलाइन को कुछ सिखाने में, जिस दिन आपको मजा आने लगे सीखने में, वर्कशॉप करने में, अपने को बेहतर बनाने में, उस दिन आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। आप स्वयं सफल होंगे ही होंगे, आप आगे तरक्की करेंगे ही करेंगे। ये कह, सो व्हाट विल मेक यू मैग्निफिसेंट, व्हाट विल मेक यू मैग्निफिसेंट, व्हाट विल मेक यू मैग्निफिसेंट, व्हाट विल मेक यू मैग्निफिसेंट। वर्क, आपका काम क्या है? आपका अगर नेटवर्क बनाना चाहते हैं, आपका काम क्या है? मीटिंग्स करना। अगर आप वन ऑन वन, होम मीटिंग, CNT, राइट, प्लान शो, अगर आप ये रेगुलर करेंगे, आपका नेटवर्क बनेगा। यस और नो? और लगातार अगर आप उस नेटवर्क को इवेंट से जोड़े रहेंगे, अपने अपलाइन के इवेंट से, जिनमें आपके नेटवर्क को शिक्षा मिलती रहे, और आगे चलकर आप अपने नेटवर्क को ट्रेन करेंगे, तो आपका नेटवर्क ग्रो करेगा या नहीं करेगा? और अगर आपका नेटवर्क ग्रो करेगा, आप तरक्की करेंगे या नहीं करेंगे? आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे? सिंपल। तो क्या चीज आपको महान बनाएगी, क्या चीज मैग्निफिसेंट बनाएगी? आपका काम आपको महान बनाएगा। यहां पर आपको किसी के गुड बुक्स में होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक ही चीज जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी, दैट इज योर वर्क। आपका काम ही आपको नाम दिलाता है। जैसे आजकल आप IPL का एड देखते हैं, राइट, उनकी टैगलाइन क्या है कि ना,
खेल दिलाएगा पहचान। सो सेम वे आपका काम आपको पहचान दिलाएगा। अगर आप निरंतर कार्य करते रहेंगे तो आने वाले समय में लोग आपके भी उदाहरण देंगे और 10-15 साल जब आपको इस इंडस्ट्री में हो जाएंगे आप भी एक लेजेंड बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट फोकस ऑन वर्किंग हार्ड। अगला ट्रेट जो आपको सफल बनाता है वो है फोकस करना। फोकस, सक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन व्हाट दे वांट। सफलतम लोग किसी भी फील्ड में वो कहां ध्यान देते हैं, वो ध्यान देते हैं उन चीजों के ऊपर जो उन्हें चाहिए, जो वो बनना चाहते हैं, जो वो हासिल करना चाहते हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं, वो हमेशा वहां फोकस करते हैं। और ऑर्डिनरी लोग क्या करते हैं, वो उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। ऑर्डिनरी लोग हमेशा फोकस क्या करते हैं, मेरे नेटवर्क में कोई काम नहीं करता, मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं करती, मेरी डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनती, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं, मुझे ये नहीं मालूम, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। वो उनका हर समय ध्यान इन्हीं चीजों पे रहता है। अगर किसी भी व्यक्ति का ध्यान हर समय इन चीजों पे रहेगा तो वो और भी ज्यादा इन चीजों को आकर्षित करेगा, डिमोटिवेटेड फील करेगा, नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कभी सफल नहीं बन सकता। लेकिन सफल लोग सफल क्यों है, उनका ध्यान कहां रहता है, मुझे क्या बनना है, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या अचीव करना है, मुझे क्या क्या मेरा गोल है, हमेशा उनके दिमाग में ये चीज चलती रहती है, इस वजह से वो सफल है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है ऑर्डिनरी लोगों में और सफल लोगों में। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोस, यानी जहां भी ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। जहां भी आपका ध्यान जाएगा आप उसे ऊर्जा देते हैं, आप ऑटोमेटिकली उसे एनर्जाइज करते हैं, एनर्जी देते हैं। सो वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोस। अगर आप बार बार ध्यान केंद्रित करेंगे अपनी कमियों के ऊपर में तो आप किस चीज को ऊर्जा दे रहे हैं, अपनी कमियों को, तो वो और भी ज्यादा बढ़ेगी, और भी ज्यादा आपको बढ़ती हुई लगेगी, वो और भी ज्यादा आपको डाउन करेगी, डिमोटिवेट करेंगी एंड आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट में रखेंगी, आप डाउन फील करेंगे। लेकिन अगर आप निरंतर ध्यान दें, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या कितना पे आउट लेना है, मुझे कौन सी कार लेनी है, मुझे भी वेल्थ ऑन व्हील्स में आना है, मुझे भी वॉइस मैगजीन में आना है, मुझे भी 5 लाख रुपया उससे ज्यादा का पे आउट लेना है, अगर आप निरंतर ये सोचेंगे तो उस चीजों को आप ऊर्जा देते हैं। तो जहां भी ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है, ये बिल्कुल सिंपल नियम है। तो ऊर्जा कहां देनी चाहिए, कमियों के ऊपर या ड्रीम्स के ऊपर? अगर आप निरंतर ऊर्जा अपने ड्रीम्स पर देते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ड्रीम्स रियलिटी में बदलने में समय नहीं लगता। यू फाइंड व्हाट यू फोकस ऑन, आपको वो मिलता है जिसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। कमियों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से जीवन में सिर्फ कमियां आती है, दुखों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से सिर्फ दुख ही मिलता है, और सफलता के ऊपर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से सफलता मिलती है। तो यही चीज कही गई है, यू फाइंड व्हाट यू फोकस ऑन, आपको वो मिलता है जिसके ऊपर आप ध्यान देते हैं। एक कमाल की कहावत मैंने सुनी थी आपसे 20 साल पहले, आज भी याद है, कि सक्सेसफुल पीपल हैव डन इट इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स नॉट इन एब्सेंस ऑफ। यानी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ये कामयाब हुए अपनी परेशानियों के बावजूद, उनकी गैर मौजूदगी में नहीं। बहुत से लोगों को आप ऐसे बात करते हुए देखते हैं, अभी ये दिक्कत है, जब ये खत्म हो जाएगी तो मैं ये करूंगा, जब ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। अरे भाई, लाइफ में दिक्कत और चैलेंज कभी खत्म नहीं होंगे, सिर्फ उनका स्वरूप बदलता रहता है। अगर आप इंतजार करेंगे कि जब चैलेंज खत्म, जब कोई दिक्कत ना हो तब मैं करूंगा, तो आप कभी काम करेंगे ही नहीं। आप लोग अपने अपने घर से आए, आपको ट्रैफिक लाइट मिली, स्पीड ब्रेकर मिले? अगर आप सोचो जब सारी लाइट ग्रीन मिलेगी तब मैं घर से चलूंगा, तो ना लाइट ग्रीन मिलेगी ना आप घर से निकलोगे। यस, यही चीज यहां कही गई है, यू फाइंड व्हाट यू फोकस ऑन, आपको वो चीज मिलेगी जिसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर सफल होना है बहुत सिंपल है, कमियों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दो। कौन आपके बारे में क्या कह रहा है उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दो, वैसे भी आप उसका कुछ कर नहीं सकते, आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। लोग तो मोदी साहब को भी बहुत कुछ कहते हैं, लोग तो किसी को छोड़ते नहीं है ना, इस बारे में आप मत सोचिए। कौन आपको स्पिरुलिना बुलाए, वेस्टीज बुलाए, वेस्टेज बुलाए, उसको छोड़ दो। आप ध्यान केंद्रित करो, आपको क्या बनना है, कहां जाना है, क्या चीज अचीव करनी है। इसीलिए मैंने लिखा है यहां पर, योर फील्ड ऑफ फोकस डिटरमाइंस व्हाट यू फाइंड इन योर लाइफ। आप जिस चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे ये तय करेगा आपको लाइफ में मिलेगा क्या। कमियों के ऊपर बार बार ध्यान देने से कमियां जितनी है वो मल्टीप्लाई होती है, उसमें एनर्जी जाती है और नेगेटिविटी हमारे ऊपर आती है। चाहे ये रिलेशनशिप हो या किसी भी चीज हो, ये हर जगह ये चीज काम करती है। आप जिस चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज आपको जीवन में मिलती है। देन टीम के मैंने एक बड़े कमाल के व्यक्ति हुए, ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेगवे,
राइट, इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और शूटिंग भी करते हैं कि आप इससे कहीं पे भी जा सकते हैं। इसको इन्वेंट किसने किया? डीन कैमन ने। ये हर समय फोकस करते थे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कि कौन सी टेक्नोलॉजी लगा के मैं हेल्थ प्रॉब्लम उसको दूर कर सकूं, और इसकी वजह से इन्होंने 150 से भी ज्यादा पेटेंटेड प्रोडक्ट बनाए। जैसे इन्होंने बहुत आविष्कार किए, जैसे पोर्टेबल इंसुलिन पंप, जिन लोगों को शुगर की इंसुलिन की लेने की दिक्कत होती है, सो पहले इंसुलिन के पंप जो है बड़े बड़े होते थे, सिर्फ अस्पतालों में ही उपलब्ध होते थे। अगर किसी को इंसुलिन है ना, अस्पताल जाना पड़ता था, तो इन्होंने इंसुलिन का ऐसा पंप बना दिया जो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, आप घर में रख सकते हैं, वो इनकी इन्वेंशन थी। उसके बाद हार्ट स्टंट, हार्ट जब हार्ट अटैक लोगों को होता है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो एक स्टंट डाल देते हैं, छल्ला डाल देते हैं जिससे ब्लॉकेज खुल जाती है। सुना है आपने उसके बारे में? तो उसके जो इन्वेंटर थे ये डीन कैमन थे। एंड सेगवे, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ह्यूमन ट्रांसपोर्टर, जिसके ऊपर आप खड़े हो जाए, बैटरी से चलता है, कहीं पे भी आपको लेके जा सकता है, इसके इन्वेंटर है डीन कैमन। ये इतनी सारी चीजें क्यों इन्वेंट कर पाए? क्योंकि हर समय इनका ध्यान रहता था कि कैसे मैं टेक्नोलॉजी को यूज करके हेल्थ इंडस्ट्री को और बेहतर कर पाऊं। लगातार उस पर फोकस करने से ये 150 से भी ज्यादा पेटेंटेड प्रोडक्ट का निर्माण कर पाए और इतने बड़े व्यक्ति बने और इतने नाम कमाया है इन्होंने। माइकल जॉर्डन का फोकस था बास्केटबॉल डंकिंग। डंकिंग किसको बोलते हैं? आपने जो वीडियो देखा था, आपने देखा माइकल जॉर्डन कैसे उछलकर जो जिसमें बास्केटबॉल का जो बास्केट डालते हैं उसमें वो उससे भी ऊंचा उछल करके, आपने देखा उनको बास्केट डालते हुए, उसको बोलते हैं डंक करना, यानी कि वो उससे भी ज्यादा उछल कर लटक गए, लटक करके बास्केट डालते, उसको बोलते हैं डंकिंग। तो बास्केटबॉल के फील्ड के अंदर में माइकल जॉर्डन का हमेशा ध्यान रहता था कैसे मैं डंक मारूं। डंक मारने का मतलब है आप इतना ऊपर उछल गए जो वो बास्केट है उससे भी आप ऊपर चले गए, तो आप बॉल, अगर आप यहां, ये बास्केट है, आपको बॉल डालनी है, आपका हाथ अगर यहां आ गया तो उसमें निश्चित जाएगी जाएगी, और अगर मान लीजिए बास्केट यहां, आपका हाथ यहां है, यहां से फेंकेंगे तो जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती। इनका फोकस था कि मैं डंकिंग का नंबर वन प्लेयर बनूं और इसीलिए इतने ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बने, तो इनका फोकस था डंकिंग के ऊपर में। सेम वे एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी की फिजिक्स की थ्योरी लेकर के आए, इनका फोकस था फिजिक्स की रिलेटिविटी थ्योरी पर, जिसके ये इन्वेंटर बने। सेम वे बिल गेट्स का फोकस क्या था? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने में, तभी इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण किया। तो बिल गेट्स का फोकस कहां था? सॉफ्टवेयर बनाने में। बिल गेट्स का फोकस कहां था? सॉफ्टवेयर बनाने में। तो माइकल जॉर्डन का फोकस था डंकिंग में, अपने गेम में। एल्बर्ट आइंस्टाइन का फोकस था फिजिक्स में, रिलेटिविटी पर, इसलिए इन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी का निर्माण किया या उसको दुनिया को दिया। बिल गेट्स का फोकस था कि वो सॉफ्टवेयर बनाए। एंड आपका फोकस कहाँ है? अब ये सवाल आपने मुझे नहीं बताना, खुद से पूछना है, आपका फोकस कहाँ है? अगर आप चाहते हैं MLM किंग बनना, आप चाहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के किंग बनना या क्वीन बनना, आप चाहते हैं शिखर पर पहुंचना, आप फोकस करिए केवल अपने नेटवर्क पर। आपका नेटवर्क लगातार आगे बढ़े, लगातार ग्रो करे, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए लगातार प्लान दिखाने, चाहे वो 1-on-1 है, चाहे वो होम मीटिंग है, चाहे वो CNT है, निरंतर, तब आगे बढ़ेगा। और जब नेटवर्क आगे बढ़ेगा, आप उसको जितना शिक्षित करेंगे, जिसका नेटवर्क जितना ज्यादा शिक्षित होता है वो नेटवर्क उतना ज्यादा तरक्की करता है, और जिसका नेटवर्क जितना ज्यादा कम शिक्षा लेता है उतना ज्यादा वो पिछड़ा रहता है। So, आपको अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग का किंग बनना है, वेस्टीज का किंग बनना है, बहुत सिंपल है, आपको कहां फोकस करना है? अपने नेटवर्क को बढ़ाने में, डेवलप करने में फोकस करना है। अगर आप निरंतर उस पर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आई फॉलोड माई ड्रीम एंड आई जस्ट स्टेड फोकस्ड एंड आई डिडंट गिव अप, ये स्टेटमेंट थी ऋतिक रोशन की, जब इन्होंने अपने पिताजी को असिस्ट करना शुरू किया। जब इनके पिताजी पिक्चर बना रहे थे, करण अर्जुन उस समय ये असिस्टेंट थे, अपने पिताजी को असिस्ट करते थे, छोटे छोटे काम करते थे, काम सीख रहे थे, उस समय ये इतने ज्यादा पतले थे, ये अंडरवेट थे, और इनको देख करके हमेशा, इनको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये कभी आगे बढ़ेगा, और इनको बोलने में भी दिक्कत थी, ये अटकते भी थे, लेकिन इनका ड्रीम था कि मुझे एक दिन ग्रेट एक्टर बनना है या सफल एक्टर बनना है, सक्सेसफुल एक्टर बनना है। So, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले अपने शरीर के ऊपर काम करना शुरू किया, अपनी उच्चारण के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर काम करना शुरू किया, जिससे अटकने की जो दिक्कत थी इनकी धीरे धीरे दूर हुई। फिर इन्होंने डांस सीखा कई साल। तो ये स्टेटमेंट इनकी थी कि मैंने अपना ड्रीम फॉलो किया, मैं सिर्फ फोकस रहा और मैंने छोड़ा नहीं। बार बार लोग मुझे कहते थे ये हकला क्या हीरो बनेगा, ये हकला क्या करेगा, ये क्या एक्टर बनेगा, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं सुनी, मैंने सिर्फ अपना ड्रीम सुना, फोकस रहा उसके ऊपर और मैंने छोड़ा नहीं, आई डिडंट गिव अप, और इसलिए मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। सक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन
अपॉर्चुनिटीज। सफल लोग जो है वो ध्यान कहां देते हैं, मौके के ऊपर। मौके कैसे होते हैं, अरे यार मेगा समिट हो रहा है इसमें मैं 50 लोग लेकर के जाऊंगा, या सीएनटी हो रही है इसमें मैं 40 लोग बिठाऊंगा, या सेमिनार हो रहा है उसमें मैं इतने लोग लेके जाऊंगा, या इतने प्लान दिखाऊंगा। सो हमेशा को ये अपॉर्चुनिटीज होती है जो काम करने की, आगे बढ़ने की, उसके ऊपर उनका ध्यान रहता है। ऑर्डिनरी लोग फोकस करते हैं ऑब्स्टेकल्स के ऊपर, ऑब्स्टेकल यानी कि रुकावटों के ऊपर में। अरे सीएनटी तो इतनी दूर है, वहां कौन जाएगा, ये दिक्कत है। हर समय उनका जो फोकस है वो दिक्कतों के ऊपर रहता है। सो अगर दिक्कतों के ऊपर आप फोकस करेंगे आप कभी सफल नहीं बन सकते। लेकिन सक्सेसफुल लोग सफल क्यों हैं, वो दिक्कतों के बजाय फोकस करते हैं अपॉर्चुनिटीज के ऊपर में। अपॉर्चुनिटीज कौन सी होती है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जब आप किसी को भी वन ऑन वन करते हैं, प्लान दिखाते हैं, मीटिंग में लेके जाते हैं, ट्रेनिंग में लेके जाते हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके बिजनेस को हेल्प करती है सक्सेसफुल बनने में। आपको फोकस ऑन योर एनर्जी ऑन वन थिंग एंड इट विल हेल्प फायर अप योर ओन सक्सेस। अपनी सारी ऊर्जा लगा दीजिए एक चीज पर। कौन सी एक चीज पर, जो आप बनना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, एंड ये ऑटोमेटिकली आपको आपकी सफलता के राह के ऊपर में लेकर के जाएगी। बिल गेट्स स्टार्टेड माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट शुरू करी, उन्होंने कहा माइक्रोसॉफ्ट इज डिजाइन टू राइट ग्रेट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट का जन्म हुआ है ग्रेट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ग्रेट सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए। तो बिल गेट्स का फोकस कहां था, सॉफ्टवेयर का निर्माण करने में। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को वो वहां लेकर जा पाए जहां वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। सेम वे डोमिनोज पिज्जा, जिसको पिज्जा इंडस्ट्री के अंदर में नंबर वन कंपनी माना जाता है, इनका फोकस था पिज्जा के ऊपर में और इनका फोकस था स्पीडी डिलीवरी के ऊपर में। आपने सुना ना 30 मिनट के अंदर पिज्जा आ गया नहीं तो फ्री, राइट। सो इनका फोकस था पिज्जा और स्पीडी डिलीवरी के ऊपर। इस जगह फोकस करने से ये इतनी सारी पिज्जा की कंपनियां हैं लेकिन उसमें ये नंबर वन पहुंचे, सिर्फ अपना फोकस पिज्जा और स्पीडी डिलीवरी पे करने से। सेम वे वॉरेन बफेट, जिनको दुनिया का नंबर वन इन्वेस्टर माना जाता है, रिचेस्ट मैन, इन्होंने फोकस किया इन्वेस्टमेंट करने पर, कहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहां नहीं करनी चाहिए, कहां इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगी, इस पर फोकस करते करते ये वर्ल्ड के नंबर वन इन्वेस्टर बन गए। अब व्हाट इट टेक्स टू बिकम सक्सेसफुल इज लेजर लाइट फोकस ऑन जस्ट वन थिंग। सफल बनने के लिए क्या चाहिए, लेजर। लेजर समझते हैं, लेजर लाइट जो एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करती है उसे कहते हैं लेजर लाइट। सो सफल बनने के लिए क्या चाहिए, लेजर जैसा फोकस केवल एक चीज के ऊपर में। अब मेरा आपसे एक सवाल है, डू यू वॉन्ट टू बी ग्रेट? यस। डू यू वॉन्ट टू बी ग्रेट? यस। डू यू वॉन्ट टू बी ग्रेट? यस। सिंपल है ये, ग्रेट कैसे बनेंगे? इन ऑर्डर टू बिकम ग्रेट यू नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग एंड डेवलपिंग योर नेटवर्क। अगर आपको ग्रेट बनना है आपको किस चीज पे फोकस करना है, नेटवर्क बनाने में और उसको डेवलप करने में। नेटवर्क बनाने में, उसको डेवलप करने में। बनाने के लिए प्लान दिखाने हैं, डेवलप करने के लिए उसको शिक्षा देनी है, शिक्षा से जोड़ना, इवेंट से जोड़ना है। सो अगर आपको ग्रेट बनना है इस इंडस्ट्री का, आपको सारा ध्यान देना है नेटवर्क बिल्ड करने में और उसको डेवलप करने में, बिल्ड करने में, डेवलप करने में। बाकी चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन, इन चीजों पर फोकस नहीं करना। फोकस क्या करना है, नेटवर्क बनाने में और नेटवर्क को डेवलप करने में। अगर लगातार आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कुछ समय के बाद में आप सफल तो होंगे ही होंगे, आप सफल से भी ज्यादा ग्रेटनेस की श्रेणी में आपका नाम आने लगेगा। On your dreams and on your network, that's it. ये है right focus. चौथी quality जो आपको magnificent बनाएगी वो है push yourself. स्वयं को push करना, अपने को push करना. The fourth trait that will make you magnificent is push yourself. तो चौथा trait जो है जो आपको सफल बनाएगा, स्वयं को push करना, स्वयं को आगे धकेलना. Always, हमेशा physically, mentally, you got to push, push. पुश, आपको हमेशा खुद को पुश करना है, कोई और पुश नहीं करेगा आपको, आपको खुद को पुश करना है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ लोगों से मैं आपको मिलवाता हूं। सिल्की लोमैन वर्ल्ड की नंबर वन रोवर, रोवर समझते हैं, जो पतली सी एक नाव होती है उसमें बैठ के चप्पू, ऐसे ऐसे चप्पू चलाते हैं, उन्हें बोलते हैं रोवर, रोवर। तो ये रोवर वर्ल्ड की नंबर वन चैंपियन रोवर बनी। इन्होंने क्या कहा, पुशिंग हर सेल्फ ने, अपने को पुश करने की काबिलियत ने इनको वर्ल्ड नंबर वन बनाया। इनकी स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूं, आपके सामने रखता हूं। इन्होंने कहा, एज अ रोवर आई एम एवरेज साइज, एक नाविक के तौर पर मेरा शरीर जो है मैं एवरेज हूं, मैं बहुत बल्की नहीं हूं, बहुत मजबूत नहीं हूं, बहुत ज्यादा राइट बड़ी नहीं हूं, आई एम एवरेज साइज एंड एवरेज वेट, मेरा वेट भी एवरेज है,
In order to beat some of the really big strong single sculler, इन्होंने कहा मेरे compete करना पड़ता है मेरे से भी ज्यादा ताकतवर नाविकों से rover से, तो उनको beat करने के लिए I need a little extra edge, मुझे extra edge की जरूरत पड़ती है, and I think ये extra edge आती है to the great extent मेरी मानसिक काबिलियत खुद को push करने की, खुद को push करना मतलब थक गए हैं, दो घंटे का अभ्यास हो गया उसके बाद खुद को पुश करना नहीं आधा घंटा और अभ्यास करना है नहीं एक घंटा और अभ्यास करना है दे ऑलवेज पुश देमसेल्फ ग्रेट बॉडी बिल्डर क्या करते हैं उनको दर्द नहीं होता एक्सरसाइज करते हुए उनको भी दर्द होता है लेकिन वो अपने को पुश करते हैं अगर मान लो कोई सेट करना है कोई डंबल ही करना है 20 करना है 10 वेट है 10 के बाद कम ऑन वो अपने को पुश करते हैं ऑल ग्रेट पीपल इन एवरी फील्ड व्हाट डू दे डू दे ऑलवेज पुश देमसेल्फ वो खुद को हमेशा पुश करते हैं सेम वे I always push myself extremely hard and I expect high things from myself. ये कहा the great Bear Grylls ने. Bear Grylls का नाम सुना आपने? Discovery Channel देखते हैं? Man vs. Wild एक प्रोग्राम आता है. इनको ये ऐसी बीहड़ जंगल में छोड़ देते हैं. एक एक हफ्ता ये उसमें अकेले रहते हैं. बिना किसी खाने के, बिना किसी पानी के, जंगलों में बड़े अजीब-अजीब सिचुएशंस में रहते हैं. So, इन्होंने क्या कहा? मैं हमेशा अपने को पुश करता हूँ और मैं हमेशा अपने से हाई स्टैंडर्ड हाई चीजें एक्सपेक्ट करता हूं एंड दैट इज हाउ मैं यहां पर पहुंचा इज व्हाट बेयर ग्रिल्स सेड देन सक्सेसफुल पीपल पुश देमसेल्फ थ्रू शाइनेस सक्सेसफुल लोग जितने हैं शर्म उन्हें भी आती है या शुरू में हिचकिचाहट उन्हें भी होती है संदेह उन्हें भी होता है डर उन्हें भी लगता है बट दे पुश बाउंड्रीज दे पुश लिमिट वो अपनी लिमिट को पुश करते हैं स्वयं को पुश करते हैं दे पुश बियॉन्ड व्हाट्स एक्सपेक्टेड जो भी उम्मीद की जाती है उससे भी ज्यादा वो खुद को पुश करते हैं एंड दैट इज हाउ वो डिस्कवर करते हैं कि वाकई में उनकी कितनी काबिलियत है या कितनी कैपेसिटी है या कैपेसिटी से भी ज्यादा वो परफॉर्म कर पाते हैं ऐसे ही आई थिंक वॉट एवर यू आर ये किसने कहा रिचर्ड ब्रांसन कौन है वर्जिन एयरलाइंस के फाउंडर वर्जिन एयरलाइंस के वर्जिन एटलांटिक का नाम सुना आपने यस वर्जिन एटलांटिक के फाउंडर इन्होंने वर्जिन एटलांटिक को कैसे शुरू किया बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये कहीं पर जा रहे थे इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई इनको बहुत अर्जेंट जाना था तो इन्होंने एक चार्टर फ्लाइट बुक करी चार्टर फ्लाइट समझते हैं पर्सनल फ्लाइट बुक करी उसमें छोटा प्लेन अवेलेबल नहीं था 50 सीटर ही अवेलेबल था इन्हें जाना बहुत जरूरी था तो इन्होंने कहा 50 सीटर ही बुक कर दी और जैसे फ्लाइट कैंसिल हुई और भी लोग थे इनकी तरह जो अर्जेंटली जाना चाहते थे इन्होंने बाकी 49 सीट उन लोगों को बेची और प्रॉफिट में बेची उससे इनको प्रॉफिट आया वहां से इन्होंने वर्जिन एटलांटिक शुरू कर दी और आज इतने बड़े इनको सर की उपाधि दी जाती है इनकी हजारों इनके जो वैल्यूएशन है वो हजारों करोड़ कई हजार करोड़ से ज्यादा है so, इन्होंने क्या कहा आई थिंक वट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ जस्ट पुश योरसेल्फ टू द लिमिट आप जो भी काम करें उसमें अपने को जो जितनी लिमिट है उससे ज्यादा पुश करना लिमिट क्या है अगर दिन में 3 मीटिंग करनी है लिमिट है 4 मीटिंग करनी है तो 4 के बाद 5वीं करना क्या अपने को पुश करना राइट अगर मान लीजिए आप 4 सेमिनार अटेंड कर रहे हैं 4 की जगह 8 अटेंड करना क्या अपने को पुश करना सो लिमिट को पुश करना तो ये इन्होंने कहा आई थिंक जो भी आप करें लाइफ में पुश योरसेल्फ टू द लिमिट लिमिट से ज्यादा अपने आप को पुश करो आई लाइक टू पुश एंड सी व्हाट आई एम केपेबल ऑफ मैं अपने को पुश करता हूं और मैं देखता हूं मैं कितना प्रेशर ले सकता हूं या मैं कितनी मेरी अंदर काबिलियत है एंड आई थिंक पीपल गेट मोर सेटिस्फैक्शन उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है लोगों को और भी ज्यादा संतुष्टि है सेटिस्फैक्शन मिलता है जीवन से जब वो अपनी लाइफ इस तरीके से जीते हैं यानी कि अपने को हमेशा पुश करते हैं बेहतर बनाने के लिए या अपने काम में एक्सेल करने के लिए ये कहना था रिचर्ड ब्रांसन का इसके बाद मेनी सक्सेसफुल पीपल आर शाय बट दे कीप पुशिंग थ्रू इट बहुत सारे सफल लोग अभी जो लोग नए हैं उनको थोड़ा हेजिटेशन होता होगा प्लान दिखाने में राइट बात करने में तो जितने भी सफल लोग हैं वो भी कभी शाय थे या हेजिटेशन थी बट बार बार अपने को पुश करने से धीरे धीरे वो हेजिटेशन अपने आप खत्म हो गई सो आप में से जो लोग जिनको हेजिटेशन होती है शायनेस फील होती है आप अकेले नहीं हो डोंट वरी बहुत से लोग हम भी कभी आपकी तरह थे बट बार बार अपने को पुश करने से उस फील्ड से आप उस जगह से निकल पाए नोबल प्राइज विनर फॉर फाइंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जेम्स वॉटसन वॉज वेरी शाय डीएनए का नाम सुना तो डीएनए का स्ट्रक्चर जिन्होंने इन्वेंट किया जेम्स वॉटसन वो भी बहुत शर्मीले थे लेकिन बावजूद उसके इतने सफल हुए शाय पीपल ऑफन और एक अच्छी चीज है जो लोग हिचकिचाते हैं बात करने में या कुछ करने में वो बहुत समय बिताते हैं अकेले में कई घंटे पढ़ने में सीखने में फोकस करने में और ये सारी चीजें हैं जो आपको सफलता में मदद करती है तो अगर आप शाय फील करते हैं तो डोंट वरी अबाउट इट आप अकेले नहीं है दुनिया में बहुत लोग हैं तो आप अपने को कम मत समझिए किसी से डोंट वरी अबाउट इट पुश थ्रू सेल्फ डाउट इफ यू हैव सेल्फ डाउट
सेल्फ डाउट, स्वयं के ऊपर डाउट, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा या नहीं होगा। कभी कभी ये विचार सबके मन में आते हैं, सबके मन में आते हैं। तो उसका आंसर क्या है या सोल्यूशन क्या है, अपने को उससे पुश करना। सो पुश थ्रू सेल्फ डाउट। इफ यू हैव सेल्फ डाउट, अगर आपको सेल्फ डाउट है, इफ यू थिंक यू आर नो गुड, अगर आपको लगता है आप उतने अच्छे नहीं है, डोंट वरी, चिंता मत करिए, आप अकेले नहीं है भाई, दुनिया में सभी को सेल्फ डाउट होता है कभी ना कभी, तो आप डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट कीप पुशिंग थ्रू इट। आप अपने को पुश करते रहिए एंड डोंट लेट इट स्टॉप यू, और वो जो डाउट है उससे रुकिए मत, अपने को पुश करते रहिए, पुश करते रहिए, चलते रहिए निरंतर, तो आप उस स्टेज से निकल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन यानी स्वयं को सलाह देना। जितने भी दुनिया में ग्रेट स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो ग्रेट क्रिकेटर है, ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर है, ग्रेट टेनिस प्लेयर है, ग्रेट बैडमिंटन प्लेयर है, जितने भी वर्ल्ड के टॉप टॉप अचीवर्स है किसी भी फील्ड में, वो एक सिंपल टेक्निक का यूज करते हैं जिसे कहा जाता है ऑटो सजेशन। ऑटो मतलब स्वयं को सलाह देना। वो स्वयं को क्या सलाह देते हैं, वो अपने से बात करते हैं। कभी भी आप कोई मैच देखना, जो भी आपको पसंदीदा स्पोर्ट्स हो, आप देखेंगे कि जो जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, ये स्वयं से बात करते हैं। ये क्या अपने को बात करते हैं, अपने को बकअप करते हैं, अपने को पुश करते हैं, अपने से क्या बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, कम ऑन आई एम अ चैंपियन, आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट, मैं करूंगा, मुझे करना है, कम ऑन, राइट, आई एम द बेस्ट, ऐसे करके ये हमेशा अपने से बात करते हैं, अपने को पुशअप करते हैं, एंड दैट इज द रीजन ये ग्रेटनेस की हाइट पर पहुंचते हैं। ये फॉर्मूला मैं सबसे बेहतरीन हूं, आई विल बी द टॉप नेटवर्कर, आई विल बी द बेस्ट, आई एम अ चैंपियन, अगर आप इस तरीके से अपने से बात करेंगे तो आपकी क्षमता अगर काम करने की इतनी है, आप इतना काम करने लगेंगे, आपकी अचीव करने की क्षमता इतनी है तो आप इतनी करने लगेंगे, सिर्फ स्वयं से बात करते हैं। और माल की बात यह है कि स्वयं से बात हर आदमी करता है। जो ऑर्डिनरी आदमी होता है वो स्वयं से कैसे बात करता है, नहीं होगा, मुश्किल है, अरे पता नहीं कैसे होगा, मुझे तो कोई हेल्प नहीं करता, मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरा अपलाइन तो बिल्कुल ही मेरी हेल्प नहीं करता, डाउनलाइन तो मेरे लोग बेटे काम ही नहीं करते, दूसरे के डाउनलाइन देखो कितना काम करते हैं, वो अपने से ऐसी बातें करते हैं, बात हर कोई करता है अपने से, राइट। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कैसे बात करते हैं, अरे मैं करूंगा, मुझे करना है यार, मैं बेस्ट हूं, कम ऑन, मैं इतना बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई कैन डू इट, कम ऑन, वो अपने से ऐसी बात करते हैं। So right auto suggestion is the key to success. Right? दूसरी टेक्निक जो है done it before, कभी ना कभी तो आपने लाइफ में कुछ सक्सेसफुल हुआ, कोई भी काम अच्छे से किया होगा, यस और नो, कभी तो आपने अब कोई भी अपनी ड्यूटी अच्छे से करी होगी, कुछ सफलता अचीव करी होगी, स्कूल से लेकर के जब आप पढ़ते थे छोटे से लेकर अब तक आप इतने बड़े हो गए, तो जो भी आपने अच्छा काम किया, डन इट बिफोर, पहले किया उसे याद करो और फिर अपने कॉन्फिडेंस दो, यार जब मैं हाँ कर सकता हूँ, एक बार कर सकता हूँ तो दोबारा कर सकता हूँ, दो बार कर सकता हूँ, तीन बार भी कर सकता हूँ, सो जब मैंने पहले किया तो आई कैन रिपीट इट, आई कैन डू इट अगेन एंड अगेन। सो ऐसे अगर आप स्वयं से बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ डाउट जो है वो चला जाएगा। देन